हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिखे कामना ब्लॉग्स। मैं हूँ कामना कुमार और इस टाइम मैं हूँ मरीगांव डिस्ट्रिक्ट पे लक्ष्मीनाथ बेसबोरा साहित्य मनीषी उपवन बायोडाइवर्सिटी पार्क पे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कैसा गजब का नजारा है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लक्ष्मीनाथ बेसबोरा साहित्य मनीषी उपवन बायोडाइवर्सिटी पार्क पड़ता है मरीगांव डिस्ट्रिक्ट को, और मरीगांव डिस्ट्रिक्ट से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और मरीगांव डिस्ट्रिक्ट का मानिपुर पुलिस स्टेशन के पीछे साहित्य मनीषी उपवन पार्क अवस्थित है। और लक्ष्मीनाथ बेसबोरा साहित्य मनीषी उपवन बायोडाइवर्सिटी पार्क 3 सितंबर 2020 पे सर्बानंद सोनोवाल जब सीएम था, उन्होंने ये पार्क उद्घाटन किया था। मरीगांव डिस्ट्रिक्ट पे यही एक छोटा सा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, 2 से 3 हेक्टर लेंथ एरिया से बनी हुई है ये। अभी आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप लोग मत आइए यहाँ, अभी कुछ खास नहीं है। अभी उन लोगों ने छोटा छोटा पेड़ लगाया है, तो 1 साल या 2 साल में बड़ा हो जाएगा तो तब कुछ खास देखेगा, तो तब आएगा, अभी मत आइए। मैं तो ऐसे ही आ गया क्योंकि मेरा मणिपुर पुलिस स्टेशन पे थोड़ा काम था, तो इसलिए मैं आया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो आइए थोड़ा देखते हैं। ये देखो बहुत ही बड़ा है यहाँ, ऐसा बड़ा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा सामने से। इसका नाम क्या है आप लोग प्लीज जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ। शायद उसको पका के खाने के लिए रखा है, खाते या नहीं खाते मुझे नहीं पता, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। पूरा पार्क में यही जगह थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेकिन ये बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है उन लोगों ने। तो मरीगांव डिस्ट्रिक्ट का लक्ष्मीनाथ बेसबोरा साहित्य मनीषी उपवन बायोडाइवर्सिटी पार्क ये 24th नंबर पे है, तो कैंपा स्कीम से है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। और कुछ साल वेट करते हैं, जब ये पार्क थोड़ा डेवलप होगा तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके, और हाँ आपका भाई समझ के मुझे ऐसे ही प्यार हमेशा देते रहना। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।